नमस्कार, सुप्रभात। आप सभी का सबरंग कार्यक्रम में एक बार पुनः स्वागत है। मित्रों, जीवन में हम जो भी करते हैं वो प्रसन्नता के लिए, खुशी के लिए ही करते हैं। धन भी कमा रहे हैं या कहीं घूमने जा रहे हैं या जो भी आप अपनी एक्टिविटी देखें, एंड रिजल्ट हम खुशी ही चाहते हैं, आनंद ही चाहते हैं। खुशनुमा और मुस्कुराता हुआ चेहरा भी हमें पसंद आता है, जो दुखी चेहरा हो वो हमें प्रिय नहीं लगता। तो कैसे हम अपनी खुशी को कायम रखें, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आज के दौर में है और इसी से जुड़ा हुआ है आज का सुंदर सुवाक्य। आइए सुनते हैं। खुशी एक अमूल्य खजाना है, इसे सस्ती चीजों पर खर्च न करें। हम ज्यादातर अपनी खुशी लोगों के अनुमोदन पर लगाते हैं। जब तक हम खुद की सराहना करना नहीं सीखते, हम कभी भी अपनी उपस्थिति से दूसरों को खुश नहीं कर पाएंगे। आपका अपना स्वाभिमान सबसे कीमती है और हमें अपनी खुशी इसी में निवेश करने की आवश्यकता है, छोटी छोटी बातों पर नहीं। तो मित्रों, अपनी खुशी को गंवाना नहीं है। रिमोट कंट्रोल यदि अपने हाथ में हो टेलीविज़न का, तो हम जैसा चाहें वैसा चैनल लगा लेते हैं। हमारे मूड का जो रिमोट कंट्रोल है वो हम किसी और को ना दें, परिस्थितियों को ना दें, अन्यथा वो हमारे मूड को चेंज करते रहते हैं, हमारी खुशी को छीनते रहते हैं। बातें कुछ भी हों, लेकिन मैं अपनी खुशी को नहीं खोऊंगा। मैं मुस्कुराता रहूंगा और आनंद से अपनी यात्रा को पूर्ण करूंगा, क्योंकि कहा भी गया है, खुशी जैसी कोई दवा नहीं है और गम जैसा कोई मर्ज नहीं है। इसीलिए हम खुश रहते हुए आगे की ओर बढ़ें, क्योंकि खुशी ही तो हमारे तनाव को भी दूर करने वाली है, राइट? क्योंकि आज के तनाव भरे जिंदगी में हमें यदि कुछ लम्हे खुशी के मिल जाते हैं या हम दूसरों के चेहरों में मुस्कान ला पाते हैं, तो वो भी एक बहुत बड़ी सेवा होती है। और आज आपकी सेहत आपके हाथ में, हम इसी की बात कर रहे हैं कि कैसे आप तनाव से मुक्त रह सकते हैं। ओम शांति, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम बात कर रहे थे तनाव की। स्ट्रेस, टेंशन एक बहुत कॉमन शब्द है। स्ट्रेस का एक सिंपल सा फॉर्मूला आपको बताता हूं दोस्तों। स्ट्रेस इज इक्वल टू प्रेशर्स डिवाइडेड बाय इनर स्ट्रेंथ या कोपिंग एबिलिटी। और जब ये रेशियो एक से अधिक हो जाता है तो इससे तनाव पैदा होता है। प्रेशर्स हमारे दबाव जो लाइफ के हैं, आपके अंदर के हो सकते हैं, इंटरनल हो सकते हैं, एक्सटर्नल हो सकते हैं। इंटरनल जैसे कि आपका नेचर ही जल्दीबाजी का है, चिंता करने का है, आप बहुत सेंसिटिव हैं, बहुत इमोशनल हैं, आप हमेशा अपनी बात को, थोड़ी थोड़ी बात पर आपको गुस्सा आ जाता है, शॉर्ट टेम्पर्ड हैं, आप दूसरों में दोष ज़्यादा देख पाते हैं, बदलने की भावना, लोगों को फॉरगिव नहीं कर पाते, आपका अंदर का प्रेशर है। ऐसे ही मान लीजिए आपको ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, घुटने खराब हैं, कमर खराब है, आपका अंदर का प्रेशर है। इसको आप तुरंत मॉडिफाई कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं। दूसरा जो है आपका, जो आपके पास कोपिंग एबिलिटी है, इनर स्ट्रेंथ है, आत्मिक शक्ति है। जब पहले आज से 50 साल पहले अगर हम देखें तो अधिकतर लोग कहते, नहीं, भगवान की दुआ है, हम सब ठीक हैं। तो आज जिस किसी से मिले तो कहेंगे, मुझे प्रेशर है, मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन है। कि तो क्यों? क्योंकि आज आत्मिक शक्ति, कोपिंग एबिलिटी कम हो गई है, प्रेशर्स कम हो गए हैं। हालांकि आज प्रेशर्स बहुत कम हो गए, इंटरनल प्रेशर भी लोगों के पास, शायद सब डॉक्टर्स हैं, पहले डॉक्टर्स नहीं थे। आज दूसरी जो आपके पास एक्सटर्नल प्रेशर्स, आज वो तो खैर बढ़ रहे हैं, भारत समाज के प्रेशर्स हैं, घर के प्रेशर्स हैं, फाइनेंशियल प्रेशर्स हैं, वर्किंग प्लेस के प्रेशर्स हैं, वो सब उनको मॉडिफाई करना मुश्किल है। किंतु हमारे पास जो आत्मिक शक्ति ना होने के कारण हम तनाव में आते हैं। और दोस्तों, जो कोपिंग एबिलिटी को बढ़ाने का साधन क्या है, वो एक ही साधन है, इनर स्ट्रेंथ को बढ़ाने का साधन है, मेडिटेशन, योग। कि कोई दवाई दुनिया की, कोई भी सर्जरी हमारी कोपिंग एबिलिटी, इनर स्ट्रेंथ को नहीं बढ़ा सकती है। तो दोस्तों, याद रखें, अगर आप तनाव मुक्त रहना चाहते हैं तो अपने जीवन में
मेडिटेशन को अपनाएं, योग को अपनाएं, जिससे कि आप सदा तनाव मुक्त, जिसे आप बेगमपुर के बादशाह भी कह सकते, बेफिक्र बादशाह भी कह सकते, ऐसा जीवन आप व्यतीत कर सकेंगे। ओम शांति। टेंशन के लिए किसी ने बहुत सुंदर बात कही थी, टेंशन वो लें जिनके टेंशन हो। हमारे टेंशन तो है नहीं, तो हम क्यों टेंशन लें, राइट? तो ज़िंदगी को ऐसे ही हल्के फुल्के और आनंद से आगे बढ़ाते रहें। तो सचमुच तनावजनक जो बातें होती हैं वो भी हमारे तनाव को नहीं बढ़ा पाती, लेकिन हल्की हो जाती हैं। बात है कि हम कितने हल्के रहते हैं, हम हल्के तो बातें भी हल्की हो जाती हैं। और ये भी सत्य है कि जब हम मन को थोड़ा सा अध्यात्म के साथ जोड़ते हैं, भक्ति भाव के साथ जोड़ते हैं, तो भी हमारी आंतरिक क्षमता इन सभी परिस्थितियों को जीतने की बढ़ जाती है। इसीलिए आइए, आज हम आपको लिए चल रहे हैं एक ऐसे आध्यात्मिक नगरी में, धार्मिक नगरी में, मंदिरों की नगरी में, जहाँ जाकर आपके मन में यदि थोड़ा बहुत तनाव है वो भी दूर हो जाएगा। बहुत ही प्रसिद्ध स्थल चित्रकूट, जिसके बारे में आपने सुना ही होगा, चित्रकूट के घाट में भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन किसे तिलक देत रघुवीर। आइए चलते हैं। चित्रकूट एक ऐतिहासिक तीर्थस्थल है जो वर्तमान भारतीय राज्यों उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच विभाजित है। चित्रकूट वह स्थान है जहां राम के भाई भरत राम से मिलने आए और उनसे अयोध्या वापस आने और राज्य पर शासन करने के लिए कहा। यह भी माना जाता है कि हिंदू देवताओं की त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु महेश ने यहां अवतार लिया था। यहीं पर राम ने सभी देवी देवताओं की उपस्थिति में अपने पिता दशरथ का अंतिम संस्कार किया। चित्रकूट के जंगलों में ही राम सीता और लक्ष्मण ने शरण ली थी और 12 साल बिताए थे, जो पहले से ही कई साधुओं का घर था। कहा जाता है कि अत्रि मुनि ऋषि अगस्त्य और ऋषि शरभंग सहित प्राचीन भारतीय संतों ने चित्रकूट के जंगलों में ध्यान लगाया था। चित्रकूट हिंदू जीवन शैली की सर्वोत्कृष्टता का समर्थन करता है। इस पवित्र शहर में उत्सव और मेलों का एक आध्यात्मिक पहलू है और यह अपने विभिन्न मेलों के साथ भगवान राम का गुणगान करता है। चित्रकूट में साल भर तीर्थयात्री आते हैं। फरवरी के अंतिम सप्ताह के दौरान आयोजित होने वाला रामलीला चित्रकूट का सबसे प्रसिद्ध त्योहार है। रामायण की प्रस्तुति देखने के लिए बहुत आयत में लोग महाशिवरात्रि के त्योहार के दौरान चित्रकूट जाते हैं। हो गया ना आपका मन तनाव से मुक्त? सचमुच जब ऐसे शांत वातावरण में हम जाते हैं और अध्यात्म के रंग में थोड़ा रंगते हैं, तो सचमुच मन में जो एक विचलन की स्थिति है वो दूर हो जाती है और हमें समाधान दिखाई देने लगता है। बहुत महत्वपूर्ण बात तो ये है, और ये बात केवल हम नहीं कह रहे हैं, ये बात केवल साधु संत या हमारे शास्त्र पुराण नहीं कह रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसी भी महान हस्तियां हैं जिन्हें हम टेलीविज़न और फिल्मों में देखते रहते हैं, जिन्हें हम अपना रोल मॉडल मानते हैं, वो भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि सचमुच अध्यात्म हमारी परफॉर्मेंस को बहुत सुंदर कर देता है, हमें तनाव से मुक्त रखता है। आज ऐसा ही सुंदर हमारे बीच लेकर आ रहे हैं फिल्म जगत की जानी मानी अभिनेत्री प्रोड्यूसर बहन रवीना टंडन जी, आइए सुनते हैं। आज 80 वर्ष हो रहे हैं ब्रह्म कुमारी के, मैं एक तो हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। और मैं सोचती हूँ कि ऐसे ऐसे लोगों की, ऐसे ऐसी संस्थाओं की इतनी ज़रूरत है हमारी आज की दुनिया में, जहाँ कहीं ना कहीं लोगों को होप ही नहीं है कि वेयर द वर्ल्ड इज़ गोइंग। तो इस तरीके का जो हमारी दुनिया में जिस तरीके की सेवा हो रही है, जिस तरीके की मदद कर रहे हैं, और इट्स नॉट अ टेकिंग, इट्स अ गिविंग, यू नो, विच आई थिंक इज सो नेसेसरी एंड इतने लार्ज स्केल पे। तो आई थिंक मैं तो दिल से हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देती हूँ कि जो अचीव इन लोगों ने किया है और जो कर रहे हैं, मेरा तो फुल हार्टेड सपोर्ट ऑलवेज रहा है और आगे भी रहेगा।
यू नो एक्चुअली प्रार्थना करती हूँ लोगों से कि और आगे आए और मदद करें, क्योंकि लाइक आई सेड इससे बड़े पुण्य आप जिंदगी में कुछ पा ही नहीं सकते हैं। सुंदर प्रेरित करने वाला अनुभव कि हम भी अपने आप को थोड़ा वक्त दें, अध्यात्म के लिए वक्त निकालें, मेडिटेशन करें और देखें इसका क्या सुंदर चमत्कार होता है। जब सभी इसका सुंदर अनुभव कर रहे हैं तो क्यों ना इस अनुभव की सरिता में हम सब भी कूद पड़ें और सचमुच अपने जीवन का इसे एक अंग बना लें, ताकि जीवन तनाव से भी मुक्त रहे और हम वो सब कुछ प्राप्त कर सकें जो हम प्राप्त करना चाहते हैं। और यही कारण है कि ब्रह्मा कुमारीज लगातार इस सुंदर औषधि को, संजीवनी को, आध्यात्म रूपी संजीवनी को जन जन तक पहुंचाने का सुंदर पुनीत पावन कर्तव्य कर रहा है। आइए देखते हैं पीस न्यूज हाईलाइट्स में इस सुंदर सेवा कार्य को। वैंकूवर के महावाणिज्य दूत श्री मनीष ने ब्रह्मा कुमारिस वैंकूवर की सिस्टर क्लाउडिया से नवंबर 2022 तक हर महीने भारत की स्वतंत्रता के 75वीं साल के लिए एक कार्यक्रम आयोजित करने का अनुरोध किया। कनाडा के ब्रह्मा कुमारी सेंटर्स द्वारा ब्रह्मा कुमारिस कांडा के राष्ट्रीय समन्वयक एरिक भाई की देखरेख में एक कार्यक्रम तैयार किया गया है, जिसमें भारत की विभिन्न तस्वीरें, हमारे वरिष्ठों द्वारा बोले गए विभिन्न मूल्यों की कुछ क्लिप और ध्यान शामिल है। 4 फरवरी 2022 को भारत के वाणिज्य दूतावास ने श्रृंखला का पहला कार्यक्रम शुरू किया, जो हर महीने प्रस्तुत किया जाएगा। देखते हैं कार्यक्रम की कुछ झलकियां। ओम शांति। ब्रह्मा कुमारीज कनाडा वेलकम्स यू टू डायमंड इंडिया 75। Over the next 12 months, we'll be celebrating the 75th anniversary of India's independence. And we'll be doing this by highlighting different qualities that we feel are essential to both achieving and sustaining freedom. Patience is a state of being between experience and reaction. That little place between an experience and how I respond to that experience. We have this tiny little space before I react. अंत में निर्देशित ध्यान सत्र था, जो दर्शकों को उनकी आंतरिक दुनिया में ले गया। I turn my attention inwards, focusing on my inner world. More often than not, the activity of my inner world, my thoughts and feelings, ideas, attitudes, perspectives are shaped by what I witness in the outer world. Sundar Seva. सबको ये सिखाते हुए कि कैसे जीवन में खुश रहें, कैसे जीवन में प्रसन्न रहें। सचमुच अध्यात्म ही हमें ये सिखाता है कि जीवन में जो है उसका कैसे आनंद लो, किसी से तुलना मत करो। तुम यूनिक हो, तुम महत्वपूर्ण हो, ईश्वर की सुंदर से सुंदर रचना हो, इसीलिए आगे बढ़ो, तुलना को छोड़ो, ईर्ष्या को छोड़ो। और साथ ही ये बात भी कि इच्छाओं और कामनाओं के पीछे मत भागते रहो, क्योंकि ये तुम्हारी खुशी को छीनने वाले हैं, बल्कि औरों को खुशियाँ देते चलो। किसी ने बहुत सुंदर पंक्तियाँ भी कही है ना, कि जिंदगी गुजर गई खुशी की तलाश करते करते, अंत में जाकर पता चला कि खुश तो वो थे जो खुशियाँ बांट रहे थे। तो क्यों ना आज से हम भी सबको खुशियाँ बांटना शुरू कर दें, क्योंकि जो देंगे वही मल्टीप्लाई हो करके हमारे पास आएगा। तो आप खुश रहें, आनंदित रहें, प्रसन्न रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नमस्कार, ओम शांति।